तरफ से अहम सब आदमी के तरफ से मिथिलांचल के धरोहर पाक देवता सब कन्हैया कुमार के सम्मानित हमर और मिथिला पेंटिंग हमर रैका पंचायत के प्रतिनिधि पंचायत समिति के प्रतिनिधि मोहम्मद नसीम जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रैका के शाखा मंत्री सेहो मोहम्मद नसीम कन्हैया जी के सम्मान कर रहा है और मिथिला पेंटिंग से अहम सब के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप तमाम लोगों को इस बात की कि देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है या जहां जहां पुलिस बीजेपी के अधीन है उन तमाम राज्यों में प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब तक पूरे देश में 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले भारतीय संविधान का गला घोटने के बाद भारतीय नागरिकों का भारत की सड़क पर खून बहा रही है। सबका साथ सबका विकास इस दौर का सबसे भद्दा मजाक बन गया है। इसीलिए हम सबकी यह जिम्मेवारी है कि अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने संविधान के लिए और अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन जब हम सड़कों पर उतरते हैं तब हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे आंदोलन को, हमारी हक की इस लड़ाई को कमजोर बनाने के लिए भारत के टट्टू प्रदर्शन में भेजे जा रहे हैं। जो सरकार की एजेंट है, जो सरकार के लिए मुखबिरी करते हैं, उनको जुलूसों और मार्चों में शामिल कराया जा रहा है। जानबूझ करके हिंसा करवाई जा रही है ताकि आम नागरिकों का जो हक और अधिकार का आंदोलन है उस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आंदोलन कीजिए, पूरी मजबूती के साथ आंदोलन कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का सवाल बन गया, इसलिए लड़ना जरूरी हो गया है। लेकिन इस बात का हम ख्याल रखेंगे
कि हमारे मार्च का सहारा लेकर, हमारे जुलूसों का सहारा लेकर, हमारी रैलियों का सहारा लेकर और हमारे लोग जो अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठा हो रहे हैं उनका सहारा लेकर अगर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों की आपको पहचान करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, डोंट बी साइलेंट एंड डोंट बी वायलेंट। ना हमको साइलेंट होना है ना हमको वायलेंट होना है, इस बात का हमको ख्याल रखना चाहिए। मैं आप लोगों से यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने देखा है कि अंग्रेजों ने इस देश को कैसे 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था। हमने इस देश का इतिहास पढ़ा है, हम मोदी जी की तरह इतिहास में फेल नहीं हुए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे। अंग्रेज भारतीय जब अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकलते थे तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को बांटने के लिए, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवा देते थे और गाय का मांस मंदिरों में फिकवा देते थे ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। और यही वो लोग हैं जो तब भी सरकार के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे और आज भी अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी की, आज उनको ही आजादी शब्द से चिर हो रहा है, उनको ही आजादी शब्द सुनकर के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको इस फूट डालो राज करो की नीति को समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे आंदोलन को तोड़ने की बांटने की साजिश की जा रही है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये आंदोलन हिंदू और मुसलमान का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का आंदोलन है। इस बात को समझ लीजिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मोटा भाई का भाषण सुन लीजिए। मोटा भाई क्या कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। और आज जब देश की जनता ने सड़कों पे निकलकर कहा कि हिटलर शाही नहीं चली तो अमित शाही नहीं चलेगी, तो अपना बयान वापस लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये छलावा है, ये धोखा है। ये छलावा और धोखा इसलिए है कि आप देख लीजिए आज सरकार की खुद की क्या हालत हो गई है। हमारे मीडिया के एक बंधु आए, जब हम लोग बिहार बंद कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि सरकार ने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे तो आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे। हमने कहा कि सरकार ने हमारे साथ इतनी बार विश्वासघात किया है कि हम सरकार पे विश्वास करने के लायक नहीं होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नागरिकता कानून से भारत के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक कहा है प्रधानमंत्री ने, नागरिकता कानून को ला करके देश के संविधान पे हमला करके उन्होंने स्थिति पैदा कर दी है कि नागरिकता कानून से नागरिकों को नहीं इस सरकार को डरने की जरूरत है। हम तुमको जिता सकते हैं तो हम तुमको जुटिया भी सकते हैं। इस बात को और वो कहते हैं कि नागरिकता कानून इस देश के नागरिकों के ऊपर लागू नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आने वाली शरणार्थी हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। तो उनके लिए मुझे एक कहावत याद आ रही है, अपन उपाय है सूरदास कुबर तू। ये बात मैं क्यों
क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उसी तरह का झूठ है जिस तरह का झूठ नोटबंदी के जमाने में बोला गया था। जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे थे उनके बारे में क्या कहा जाता था, उनके बारे में कहा जाता था कि आप लोग काले धन वालों का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए आप नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। ऐ गधों, तुम मुझे बता दो कि नोटबंदी हो गई, पूरा देश लाइन में लग गया और प्रधानमंत्री के बात पे तुमको यदि अब भी भरोसा है तो मैं याद दिला दूं कि इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी लागू हो जाने के बाद आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचेगा, काला धन समाप्त होगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त होगा, नक्सलवाद समाप्त होगा। तो लोकसभा चुनाव के वक्त पुलवामा हमले के नाम पे जो वोट मांग रहे थे, तो पुलवामा हमला नोटबंदी के बाद हुआ था, अगर नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त हो गया तो पुलवामा हमला करने के लिए तुम्हारे नाना आए थे। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं उनको क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि वो जब भी कानून लाते हैं तो उनको नीति कुछ और बताते हैं और उनकी नीयत कुछ और होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। आज ये कह रहे हैं कि CAA से देश के नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, तो इसके संबंध में सच्चाई मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि CAA क्यों लाया गया है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो जल रहे हैं, वहां पर भी कई लोगों की जान चली गई है, कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। क्या मांग थी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की? यह मांग थी कि जो लोगों का नाम NRC में आया है तो बाहर पूछो। ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हुई उसके बारे में आप जान लीजिए। जब NRC आसाम के लिए हो रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो वहां पर 19 लाख लोगों को उनकी नागरिकता से बाहर कर दिया गया, और उस 19 लाख में से आप जान लीजिए कि 15 लाख हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे 15 लाख। और उनको क्यों बाहर किया गया? उनको इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उनके पास कागज नहीं था। कागज की हकीकत क्या है इस देश में? कागज की हकीकत यह है कि आप अगर वोटर ID देखेंगे तो नाम आपका रहेगा और फोटो आपकी पत्नी का रहेगा उसके ऊपर, नाम आपका रहेगा और फोटो आपके बाबूजी का उसके ऊपर रहेगा। और आप अगर कागज देखेंगे तो एक ही पिताजी के दो बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट में पिताजी का स्पेलिंग अलग अलग होता है। कोई MD मोहम्मद लिखता है, कोई MOHB मोहम्मद लिखता है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मेरे पिताजी का नाम JAI है मेरे सर्टिफिकेट में, और मेरे छोटे भाई के सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम JAY है। तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरे पिताजी अलग अलग हैं। कागज की स्थिति यह है कि कागज के आधार पर यदि नागरिकता साबित करने की बात कही जाएगी तो इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं दिखेगा, इसका असर इस देश के हर उस गरीब के ऊपर दिखेगा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और इसी कागज के आधार पर पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का नाम NRC लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जो लोग
आर्मी में काम करते हैं, पूरा जीवन आर्मी को दिए, उनके परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ऐसे कई परिवार आपको मिलेगा कि पिताजी का नाम है, भाई का नाम है, लेकिन माँ का नाम एनआरसी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। और कागज की स्थिति क्या है इस देश में? कागज की स्थिति यह है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आपका जाति प्रमाण पत्र, मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ससुराल में नहीं बनता है, मायका में जाकर के उसको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। अब बताइए कि किसी की पैदाइश कहीं और की है, उसकी शादी कहीं और हो गई है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने गांव जाना पड़ेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, अभी हम बेगूसराय के वासी हैं, लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो इसी मधुबनी जिले के जाले डीह के हम लोग वासी हैं, और यहाँ से हमारे पूर्वज उतर के बेगूसराय चले गए। इस देश का इतिहास ऐसा है कि हो सकता है कि आपको अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम याद नहीं हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भारतीय नहीं हैं। हो सकता है कि आपके पास कागज नहीं हो, लेकिन आपके बाप दादा इस मिट्टी में पैदा हुए और इस मिट्टी में आपका बराबर का हक अधिकार है। कोई सरकार कागज के आधार पर हमारी नागरिकता साबित नहीं कर सकती है। और कागज की हालत यह है कि इस देश में अगर आपको कोई कागज बनवाना हो, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, ईमानदारी से बता दीजिए, बिना घूस दिए हुए कोई काम? आसाम में, अकेले आसाम में एनआरसी करने के लिए जनता के टैक्स का 1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में यदि एनआरसी होगा तो कितना हजार करोड़ रुपया जनता का खर्च किया जाएगा। और उससे नतीजा क्या निकलेगा? उससे वही नतीजा निकलेगा कि 500 और हजार का नोट बंद कर दिए और एक रुपया भी काला धन वापस नहीं आया, और जनता को मोदी जी मूर्ख बनाए और मूर्ख बना करके लाइनों में लगवा दिया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये साजिश उससे ज्यादा गहरी है, ये साजिश उससे ज्यादा बड़ी है। और उस साजिश की तरफ हमारा इशारा ये है कि अगर किसी सरकारी बाबू को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि वो साबित करे कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास रहने का और खाने का ठिकाना नहीं है, मेहनत मजदूरी के लिए परिवार पालने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, उन तमाम लोगों को अपने ही देश में उनकी नागरिकता छीनने की साजिश की जा रही है। ये साजिश खास करके उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जिनका घर बाढ़ में डूब जाता है, जो पैदा कहीं और होते हैं, उनकी शिक्षा कहीं और होती है और काम काज करने के लिए वो कहीं और जाते हैं, और जब उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर उनका जमीन, उनका घर ये लोग हथियाना चाहते हैं और उनको इस देश में दोनम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। और ये बात मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं जो खड़ा होकर के झूठ बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब सीए के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ तब सरकार ने कहना शुरू किया कि अभी हम सीएए लेसी का कोई बात नहीं। तो मैं आपको याद दिला दूं, आप अमित शाह का पुराना भाषण उठा करके सुन लीजिए।